गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ क्लास फॉर क्लास सेवेंथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज. सो ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 33, जिसमें आप लोग का चैप्टर 6 दिया हुआ है वर्ब. ठीक है, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब, जो भी काम हम अपने डेली लाइफ में करते हैं उसे हम वर्ब कंसिडर करते हैं. ठीक है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, बीइंग और पोजीशन. यू मस्ट हैव रिमेंबर अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब लाइक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एक्सेट्रा. एक्शन वर्ब प्ले, फ्लाई, फाइट, बी वर्ब, हैव वर्ब एक्सेट्रा. ठीक है, वर्ब क्या है? एक ऐसे वर्ड है, एक ऐसा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक्शंस, जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं एक्शंस, उसको एक्सप्रेस करता है. बींग रहना जो है एक्सप्रेस करता है, एंड पोजिशन किसी पे अपनत्व जो है वो शो करता है. ठीक है, हमने पहले जो है काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़े होंगे, जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, एक्शन वर्ब. ठीक है, ये सारे. ठीक है, उसमें भी बी वर्ब होते हैं, हैव वर्ब होते हैं एक्सेट्रा. बी वर्ब को ही क्या कह सकते हैं हम लोग? बींग वर्ब. मतलब पहले हम लोग देखेंगे एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब जो है ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे प्ले, फ्लाई, फाइट एक्सेट्रा. बी वर्ब जो होते हैं वो हमारे बींग जो सेक्शन है, बींग जो पार्ट है हमारे डेफिनेशन का, उसको रिप्रेजेंट करता है. एंड हैव वर्ब जो है वो हमारे पोजिशन को शो करता है. जैसे आई हैव अ बिग हाउस. ठीक है, आई हैव अ बिग हाउस अगर हमने बोला तो उस हाउस पे अपनापन, पोजेशन जो है वो हमारा शो किया जा रहा है. किस वर्ड से? हैव से. मतलब मेरे पास एक बड़ा घर है, तो ये जो घर है वो किसका है? मेरा है. तो ये कौन सा वर्ड शो कर रहा है? हैव वर्ड. ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, नो योर पोजिशन. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग इस चैप्टर को करिएगा. हम लोग पहले काइंड्स पढ़ लेते हैं. वर्ब ऑफ काइंड्स मतलब कितने काइंड, सॉरी काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने काइंड्स होते हैं वर्ब के. फर्स्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब. और ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. इट पासिस ओवर डायरेक्ट टू द ऑब्जेक्ट दैट आइडेंटिफाई हु और व्हाट रिसीव द एक्शन. ठीक है, इसमें कहा गया है कि यहाँ पे इस ट्रांजिटिव वर्ब में, जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब रहता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, जो भी हमारे एक्शन दिए गए हैं, जो भी हमारा वर्ब दिया गया है उससे रिलेट करता है, उससे डायरेक्ट आइडेंटिफाई करता है. जैसे शी मेक्स, वो बनाती है. अब क्या बनाती है? तो फूड. मतलब फूड जो है क्या कर रहा है? मेक्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मेक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो बना क्या रही है? फूड बना रही है. मतलब ऑब्जेक्ट का और वर्ब का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है. आई रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. आई रोट, अब अगर लिखते आई रोट मतलब मैंने लिखा. अब मैंने क्या लिखा? एन एप्लीकेशन. तो क्या लिखा? एन एप्लीकेशन. तो एन एप्लीकेशन जो है वो रोट को क्या कर रहा है? डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, डायरेक्ट उस पर रिलेशन बना रहा है. तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है जो डायरेक्ट क्या करता है? वर्ब से रिलेशन बनाता है. और इसी से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा क्या रहता है? हमारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड इन कलर मेक्स रोड आर ट्रांजिटिव वर्ब. मेक्स और रोड जो है अबव सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव वर्ब है. एंड द वर्ड्स फूड एंड एप्लीकेशन आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये सारे फूड एंड एप्लीकेशन क्या है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? मेक्स एंड रोड को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे बी फॉलोड बाई अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फर्दर डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कुछ वर्ड्स के द्वारा फॉलो किए. जैसे एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. टू द प्रिंसिपल क्या है? हमारा एक्स्ट्रा, हमारा बोल सकते हैं कि जो एप्लीकेशन को वो कर रहा है या रोट को, आई राइट एन एप्लीकेशन, इस चीज़ को जो है वो क्या कर रहा है? और एक्सप्रेस कर रहा है और उसके बारे में बता रहे हैं कि किसको दिया जा रहा है एप्लीकेशन? प्रिंसिपल को. तो दे रहा है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जैसे एन एप्लीकेशन, इसके बाद भी कुछ वर्ड्स कभी कभी लगे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जिनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, जो क्या करता है? हमारे ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है. जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है वो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करता है और हमारा जो एडिशनल ऑब्जेक्ट रहता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है. जैसे आई रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. इन द सेंटेंस टू द प्रिंसिपल इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इसमें टू द प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो क्या कर रहा है? द ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन को डिफाइन कर रहा है. अ ट्रांजिटिव वर्ब मे टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब एक ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. जैसे माई फादर गेव मी 1000 बस. ठीक है, माई फादर गेव मी 1000 रुपीज़.
तो इसमें जो माई फादर है वो सब्जेक्ट हो गया, गेव जो है वो ट्रांसलेटिव वर्ब हो गया, लेकिन मी क्या है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मी क्या है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन गेव दिया क्या, माई फादर गेव ये क्या है ट्रांसलेटिव ऑब्जेक्ट है, लेकिन गेव दिया क्या 1000, तो ये क्या 1000 जो है वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फूड वर्क कर रहे थे यहाँ पे 1000 का वही वर्क है, ठीक है। माई फादर गेव, अब मेरे फादर ने दिया क्या, दिया 1000 रुपीज़ दिया, ठीक है, तो इसलिए 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट इट्स सेंस, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं उसकी उसके सेंस को कम्प्लीट करने के लिए। इट एक्सप्रेसेस अ कम्प्लीट सेंस बाई इटसेल्फ, ये खुद से ही जो है सारी जो सेंस है वो कम्प्लीट कर लेता है। एक्शन ऑफ वर्ब डज नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या करता है जो एक्शन ऑफ वर्ब्स है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहता है अपने मीनिंग को कम्प्लीट करने के लिए। द बेगर डाइड ऑफ फीवर, बेगर जो है वो मर गया बिकॉज ऑफ फीवर। चिल्ड्रेन डांस, बच्चे जो है वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें डांस डाई इन सबको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है खुद को कंप्लीट करने के लिए। द बर्ड फ्लाई, अब जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहे हैं इन द स्काई, अब बर्ड जो है स्काई में ही तो फ्लाई करेंगे ना, स्काई पे ही फ्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर इन द स्काई नहीं भी होता तो यहाँ पे फ्लाई पे कोई डिफरेंस फ्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द कलर्ड वर्ब इन द अबव सेंटेंस आर इंट्रांजिटिव वर्ब, जो भी कलर्ड वर्ड्स हैं हमारे अबव सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, एज दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दियर सेंस, इनको किसी भी अपने मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। मोस्ट वर्ब कैन बी यूज एज ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली, बट सम वर्ब्स आर ट्रांजिटिव इन वन सिचुएशन एंड इंट्रांजिटिव इन अनदर, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं, जैसे कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो एक जगह लिखा जाए तो ट्रांजिटिव कहलाएंगे और दूसरी जगह लिखे जाएँ तो इंट्रांजिटिव कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आई वाज ड्राइंग माय हेयर, मैं ड्राई सुखा रहा था, क्या सुखा रहा था माय हेयर, तो यहाँ पे जो ड्राई है वो ट्रांजिटिव वाइज वर्क करेगा। माय हेयर वाज ड्राइंग, मेरे जो बाल हैं वो सूख रहे थे, तो यहाँ पे अगर इन द एयर ना भी लिखा जाए, ठीक है, अब हवा चलेगी या हवा मेरे बालों को लगेगा तभी तो मेरे बाल सूखेंगे, तो यहाँ पे अगर इन द एयर ना भी लिखा जाए तो भी इसका सेंटेंस जो है वो इसका जो मीनिंग है सॉरी वो कंप्लीट होगा। तो इसलिए माई हेयर इज़ ड्राइंग, यहाँ पे जो ड्राइंग है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और आई वॉज ड्राइंग माई हेयर ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखे आई वॉज ड्राइंग, तो यहाँ पे मैं कुछ भी सुखा सकता हूँ, कपड़े सुखा सकता हूँ, बाल सुखा सकता हूँ, बर्तन सुखा सकता हूँ, कुछ भी सुखा सकता हूँ, लेकिन माई हेयर करके इसने सेंटेंस को कंप्लीट किया है, इस वजह से जो पहले सेंटेंस में जो ड्राइंग है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में जो हमारा ड्राइंग है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, अ लिंकिंग वर्ब रिक्वायर समथिंग टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट अदर देन ऑब्जेक्ट, एक लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या करता है रिक्वायर समथिंग टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ ज़रूरत पड़ती है उसको। जैसे ही सीम्स हेल्दी, इन द अबव सेंटेंस द वर्ब इन कलर सीम वॉज लुक आर लिंकिंग वर्ब, सीम्स वॉज लुक्स ये सारे क्या हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। दे डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, वो क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हेल्दी, मतलब सीम्स वॉज लुक ये क्या कर रहा है इनके बारे में बता रहा है, ही मिस शर्मा शी और हेल्दी प्रिंसिपल और टायर्ड के बीच में एक रिलेशन बना रहा है, सीम्स जो है वो ही और हेल्दी के बीच में एक रिलेशन बना रहा है, वॉज जो है वो मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा और प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन बना रहा है, शी और टायर्ड के बीच में लुक्स जो है वो एक रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब का की ड्यूटी क्या होती है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे ही सीम्स हेल्दी, वो हेल्दी दिख रहा है, ठीक है, तो ही इज़ हेल्दी भी हम लिख सकते थे, ठीक है, कि वो हेल्दी है लेकिन उसको देख कैसा लग रहा है कि मानो वो हेल्दी है, तो ये क्या कर रहा है ही और हेल्दी के बीच में डिफरेंस बना रहा है, सॉरी एक रिलेशन बना रहा है, सॉरी, ठीक है। मिस्टर शर्मा वॉज अ प्रिंसिपल, मिस्टर शर्मा क्या है एक प्रिंसिपल हैं, सॉरी प्रिंसिपल थे, तो मिस्टर शर्मा और प्रिंसिपल के बीच में वॉज क्या कर रहा है एक लिंक फॉर्म कर रहा है, एक जुड़ाव फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए वॉज क्या हो जाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब फ्रेज देख लेंगे, अ वर्ब फ्रेज हैज़ द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब फ्रेज में ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और मेन वर्ब होता है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हेयर आर प्लेइंग इज़ अ वर्ब फ्रेज, आर प्लेइंग क्या है यहाँ पे वर्ब फ्रेज है, या मतलब आर भी हमारा क्या है यहाँ पे वर्ब है
प्लेइंग भी क्या हमारा वर्ब है, ठीक है. द ऑक्सिलरी वर्ब इंक्लूड फॉर्म ऑफ बी वर्ब्स टू वर्ब एंड हैव वर्ब. जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बी वर्ब डू वर्ब एंड हैव वर्ब को क्या करता है, बताता है या इंक्लूड करता है. दे कैन बी यूज एज मेन वर्ब विथ मॉडल कैन कुड मे माइट विल वुड मस्ट हैव मस्ट और एक्सेट्रा, ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, मतलब बोला गया है कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर हम मेन वर्ब का यूज़ करें तो हम उसे हम वर्ब फ्रेज कहेंगे, ठीक है. अब ऑक्सिलरी वर्ब में हम पहले देखेंगे कि वी वर्ब डू वर्ब एंड हैव वर्ब, ठीक है. वी वर्ब क्या होते हैं, बी बींग हो जाएगा, डू वर्ब में डू डज डिड हो जाएगा, हैव में हैज हैव हैड हो जाएगा, ठीक है. इसके साथ साथ कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे कैन कुड माइट मे माइट विल वुड मस्ट ऑट एक्सेट्रा. तो ये सारे वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब के साथ. जैसे दे हैव फॉट ऑन दिस मैटर, यहाँ पे हैव क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, फॉट क्या हमारा मेन वर्ब है, तो इसलिए हैव फॉट क्या हो जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज. हैज़ डिसाइडेड, हैज़ क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, डिसाइडेड हमारा मेन वर्ब है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये वर्ब फ्रेज. आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, कैन हमारा मॉडल है या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं. स्पीक क्या हमारा मेन वर्ब है, इसलिए कैन आई कैन स्पीक माई मैनी लैंग्वेजेस में कैन स्पीक क्या हो जाएगा वर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है. मॉडल वर्ब्स सच एज कैन कुड माइट मे माइट शेल शुड वुड विल वुड मस्ट आर यूज लाइक हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है. इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी सेम रहता है इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं मेन वर्ब को इंक्लूड नहीं करते हैं. मॉडल वर्ब्स में हम मेन वर्ड मेन जो वर्ब रहता है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं. जैसे शी कैन स्पीक फ्रेंच वेल, इसमें जो कैन हम मॉडल्स देख सकते हैं, मॉडल्स की एग्जाम्पल्स हम अभी एग्जाम्पल्स में डेफिनेशन में पढ़े, कैन कुड मे माइट शेल शुड विल वुड मस्ट, ये सारे और टू, ये सारे क्या होते हैं हमारे मॉडल्स होते हैं. अगर ये सारे वर्ड्स हमारे सेंटेंस में यूज़ किए जा रहे हैं किसके बाद, सॉरी किसके पहले, हमारे मेन वर्ब के पहले, तो हम क्या कह सकते हैं इसे मॉडल वर्ब कह सकते हैं. इसमें जो है मेन वर्ब जैसे स्पीक कंप्लेन इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. दे कैन बी यूज टू कन्वे मोर देन वन मीनिंग, ये जो है एक मीनिंग से ज़्यादा को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. जैसे शी कैन स्पीक फ्रेंच वेल, तो कैन क्या हमारा मॉडल है और इसलिए ये मॉडल वर्ब भी है. क्यों, क्योंकि ये क्या कहाँ लिखा गया है, जो हमारा मेन वर्ब है उसके पहले और मेन वर्ब को कंसिडर नहीं किया गया. शुड आई कंप्लेन फॉर इट, तो शुड क्या हमारा मॉडल है इसलिए ये हमारा मॉडल वर्ब हो जाएगा, कंप्लेन को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है. तो यहीं पे अब हमारा चैप्टर ओवर होता है. इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है आप लोग को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रीड करिएगा, इसके एग्जांपल्स आप लोग देखिएगा क्या एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स से भी बहुत सारे डिफरेंसेस आप लोग को पता चल जाते हैं. तो इसके एग्जांपल्स पढ़िएगा, स्पेशली जो लिंकिंग वर्ब है, वर्ब फ्रेज है और मॉडल वर्ब्स है उनके एग्जांपल्स पढ़ के इसके डिफरेंसेस देखिएगा, ठीक है. थैंक यू.